जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा के रहस्य के बारे में, कैसे बने वीर बर्बरी कलयुग के श्याम। उससे पहले, अगर आप स्पिरिचुअल ज्ञान पे पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से और वीडियोज़ को बनाने का और अपलोड करने का। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम महाबली बर्बरिक था। ये पांडुपुत्र महाबली भीम के पोत्र यानी कि पोते थे। इनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो भीम और उनकी असुर पत्नी हिडिम्बा की संतान थे। इनकी माता का नाम अहिलावती मोरवी था, जो एक नाग कन्या थी। बर्बरिक को अपने अद्भुत केशों के कारण ही यह नाम मिला था। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर इनका विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर देश और विदेशों से भी भक्त इनके दर्शन हेतु आते हैं। मान्यता है कि जो भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वीर बर्बरिक का जन्म। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय भीषण जंगलों व गुफाओं में छुपते छुपाते बिताया था। अज्ञातवास के दौरान एक बार जंगल में विचरण करते हुए महाबली भीम पर हिडिम्बा नामक राक्षसी की नजर पड़ी और वह उन पर आसक्त हो गई। भीम ने हिडिम्बा के शक्तिशाली असुर भाई को पराजित करके हिडिम्बा से विवाह कर लिया। भीम और हिडिम्बा को घटोत्कच नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अपने पिता भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। घटोत्कच अपनी माता के साथ ही हिडिम वन में निवास करते थे। एक बार घटोत्कच अपने पिता व अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को देखकर उनके पिता से उनका विवाह कराने की बात कही। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप ही इसके लिए योग्य वधु की तलाश करें। तब श्री कृष्ण ने असुर राज शिल्पी मुरा की गुणवान और सुशील कन्या कामकटिका मोरबी को घटोत्कच के लिए चुना। अपने विवाह के लिए मोरवी ने एक शर्त रखी थी कि जो भी उसे शस्त्र और शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी के साथ में वह विवाह करेगी। मोरबी की इस शर्त को पूरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने घटोत्कच को दीक्षित किया था। घटोत्कच ने मोरबी को शस्त्र और शास्त्रार्थ में पराजित करके उससे विवाह किया। अपनी पत्नी को लेकर घटोत्कच हिडिम वन में चले गए। मोरवी ने हिडिम वन में एक बेहद अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। उसके बाल शेर की भांति बड़े बड़े और घुंघराले थे। उनके बालों के कारण ही उनके पितामह भीम ने उनका नाम बर्बरिक रखा। स्कंद पुराण में भी इनका जन्म स्थान हिडिम वन ही वर्णित है। वर्तमान में हिडिम वन का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश व शेष भाग नेपाल के अंतर्गत आता है। बालक बर्बरिक का बचपन कैसा था? बर्बरिक अपने बाल्यकाल से ही अद्भुत बालक थे। वे जन्म लेने के पश्चात ही पूर्ण विकसित हो चुके थे। अपने पुत्र को लेकर जब घटोत्कच श्री कृष्ण के पास गए, तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से इस जीवन का अच्छा उपयोग कैसे हो, यह पूछा। तब श्री कृष्ण बालक से प्रभावित हुए और कहा, असहाय और कमजोर लोगों की मदद करना और सर्वदा धर्म का मार्ग ही अपनाना, इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग यही होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से कहा कि इस कार्य के लिए आपको शक्तियां अर्जित करनी होंगी। इस कार्य सिद्धि के लिए तुम्हें महिसागर गुप्त क्षेत्र में जाना होगा और देवी सिद्ध अंबिका तथा नव दुर्गा की पूजा अर्चना करनी होगी और उनसे शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। बालक बर्बरिक ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार महिसागर गुप्त क्षेत्र में जाकर सिद्ध अंबिका की उपासना प्रारंभ की। बालक बर्बरिक की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर मां सिंध अंबिका ने उन्हें 3 दिव्य बाण, धनुष व कई अन्य शक्तियां प्रदान की।
इस धनुष की मदद से वे त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण इन्हें तीन बाणधारी नाम भी मिला। इसके उपरांत देवी ने उन्हें चंडिल नाम भी दिया। बर्बरीक ने किया था अपने शीश का दान। महाबली भीम के पुत्र वीर बर्बरीक को ही खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। वीर बालक बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की कथा महाभारत के समय से ही शुरू हो चुकी थी। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार बालक बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और उनसे तीन दिव्य बाण प्राप्त किए। यह बाण इतने चमत्कारी थे कि इनका उपयोग करके त्रिलोक पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। परंतु इन बाणों का प्रयोग करने के लिए जिस विशिष्ट धनुष की आवश्यकता थी वह केवल अग्निदेव से ही प्राप्त हो सकता था। अतः बर्बरीक ने अग्निदेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर वह धनुष प्राप्त कर लिया। सुन लेते हैं खाटू श्याम जी की कहानी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने की सूचना इन्हें मिली तो इन्होंने माँ से उस युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। तब माँ ने इन्हें आशीर्वाद दिया और इस वचन के साथ युद्ध में जाने की आज्ञा दी कि वे उसी का साथ दें जो उस युद्ध में हार रहा हो। वीर बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वे हारने वाले की ओर से ही लड़ेंगे। तभी से इनको हारे का सहारा नाम से भी जाना जाता है। माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने धनुष और तीन बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। यह बात पता चलने पर भगवान श्री कृष्ण को चिंता होने लगी, क्योंकि वे जानते थे यदि किसी प्रकार बर्बरीक कौरवों के साथ शामिल हो जाते हैं तो कौरवों को किसी भी स्थिति में हराना असंभव होगा। तब युद्ध के लिए जाते समय रास्ते में भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में इनसे मिले और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बर्बरीक जी ने बताया कि वे महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम केवल तीन बाण लेकर ही युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? तब उत्तर में बर्बरीक ने कहा कि ये साधारण बाण नहीं है, बल्कि ये ऐसे दिव्य बाण हैं जो विश्व की किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। मेरा प्रत्येक बाण शत्रु का संहार करके तरकश में वापस आ जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम मुझे इनकी शक्ति दिखा सकते हो? बर्बरीक के हाँ कहने पर ब्राह्मण ने पास के एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि क्या तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद सकते हो? बर्बरीक ने अपने आराध्य को नमन कर एक बाण छोड़ा। उस एक ही बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अंतिम पत्ते के ऊपर से अपना पैर हटाइए, अन्यथा आपका पैर जख्मी हो जाएगा। वास्तविकता यह थी कि श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। चमत्कारिक रूप से वह पीपल का पेड़ आज हरियाणा के हिसार जिले में भी तलवंडी राणा के पास पीर बबराना गाँव में मौजूद है। इस पेड़ पर जब भी नए पत्ते आते हैं तो शुरुआत में तो वे ठीक होते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद उनमें अपने आप छेद हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस सेना की ओर से भाग लेंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा वे उसकी ओर से ही लड़ेंगे। ये बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो यह युद्ध तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। दरअसल बर्बरीक के इस निर्णय के बारे में कौरव भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने योजना बना रखी थी कि पहले दिन वे कम सेना के साथ युद्ध करेंगे और हारेंगे। अतः बर्बरीक उनकी ओर से लड़ेंगे और पांडवों की सेना को समाप्त कर देंगे।
अतः ब्राह्मण वेश में भी श्री कृष्ण ने उनसे दान देने का वचन मांगा। बरबरीक जी ने तुरंत वचन दे दिया। तब श्री कृष्ण ने रणचंडिका को भेंट करने के लिए दान में बरबरीक से उनका शीश मांग लिया। वीर बरबरीक उनकी बात सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उन ब्राह्मण देव से प्रार्थना की कि वे अपना शीश अवश्य दे देंगे, परंतु इससे पूर्व उन्हें अपने वास्तविक रूप में आकर अपना परिचय देना होगा, क्योंकि बरबरीक जानते थे कि ऐसा दान कोई साधारण व्यक्ति तो मांग ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में बरबरीक को दर्शन दिए। तब बरबरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के पूरे युद्ध को वे स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण ने उन्हें इस बात का वचन दिया। बरबरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काट कर उन्हें समर्पित कर दिया। यह दिन फाल्गुन मास की द्वादशी का दिन था। वीर बरबरीक के अप्रतिम बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा कि बरबरीक का बलिदान अद्वितीय है, ऐसा बलिदान कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने वीर बरबरीक के शीश को 14 देवियों से प्राप्त अमृत से अभिसिंचित कर अमर कर दिया और युद्ध स्थल के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध के दृश्य को भलीभांति देख सकते थे। तब बरबरीक जी संपूर्ण महाभारत के युद्ध के साक्षी बने और युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडवों को इस बात पर घमंड हो गया कि वे बहुत बलशाली हैं और उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से ही महाभारत का यह युद्ध जीता है। अतः इस बात पर गहन चर्चा होने लगी कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे दिया जाएगा। निर्णय न होने पर श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर बरबरीक बता सकते हैं, क्योंकि वे इस संपूर्ण युद्ध के साक्षी हैं। इस बात पर सभी सहमत होकर बरबरीक जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा, इस युद्ध भूमि की विजय का संपूर्ण श्रेय श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि युद्ध विजय के पीछे श्री कृष्ण की ही माया थी। अर्थात बरबरीक को पूरे युद्ध क्षेत्र में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को मार काट रहा था। इस प्रकार बरबरीक जी के शीश ने पांडवों के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। श्री कृष्ण ने तब उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, मेरी समस्त शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी, समस्त देवी देवता आपके शीश को पूजेंगे। जब तक ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र रहेंगे, तुम भक्तों के द्वारा मेरे श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। साथ ही किसी व्यक्ति का कोई भी श्राप, चाहे वह पूर्व जन्म का ही क्यों ना हो, तुम्हारे दर पर मस्तक झुकाने से समाप्त हो जाएगा। कलयुग के देवता के रूप में तुम जाने जाओगे और पूजे जाओगे। खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।